सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल, और सभी को ऋतु का नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, तो मैं आज अपनी नर्सरी में आपको लेकर आई हूँ। ये नर्सरी जो है ये हमारे यहाँ की परमानेंट नर्सरी है, और लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ मैं पचमढ़ी के पास रहती हूँ। तो हमारे यहाँ आपको यहाँ समर के फ्लावर्स भी मिलेंगे, विंटर के फ्लावर्स भी मिलेंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह यहाँ पे सब अवेलेबल होते हैं। ये लोग जो हैं, मैंने इनसे बात की कि प्लांट्स का जो कलेक्शन है ये काफ़ी अच्छा रहता है, और ये जो है प्लांट्स जो है ये हैदराबाद से, पुणे से, और दो तीन जगहों से ये प्लांट्स अपने कलेक्ट करके लेकर आते हैं। आंध्रा भी जाते हैं, कुछ शिलोंग से भी लेकर आते हैं, दार्जिलिंग से लेकर आते हैं ये प्लांट्स। तो मुझे कई बार कभी एक्सक्लूसिव मिल जाते हैं। हालांकि ये आप देख रहे हैं ये सारे अभी विंटर्स जा चुके हैं, तो ये कोलियस काम का है हमारा। यदि शो प्लांट में आप प्रेफर करते हैं तो ये कॉडलिन ले सकते हैं, फिर ये यूफोरबिया है साल भर फूलने वाला, शिफलेरा आप ले सकते हैं, और इसके बाद में क्रोटन्स की वैरायटीज़ आपको काफ़ी, सकलेंट्स भी कुछ रखे हुए हैं, आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं, और पाम वगैरह हैं, पाम आप ले सकते हैं। तो मतलब अभी इस समय नर्सरी में हमारे यहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल है, और टेराकोटा के यदि आपको मैनीक्वींस वगैरह है पॉट चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे इसी से एक लगी हुई और एक नर्सरी है, जिनके यहाँ से भी मैं अक्सर पौधे वगैरह लेती रहती हूँ, तो इनके यहाँ टेराकोटा पॉट्स का भी कलेक्शन अच्छा है। और ये रोज़ वगैरह सिर्फ इसीलिए रखते हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग यहाँ से, क्योंकि ऑन द रोड है तो जो लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं वो ये ले जाते हैं डहेलिया ज्वेल नेक्स्ट ईयर को प्रिजर्व करने के लिए। क्योंकि इस समय यदि आपको बल्ब वगैरह आप एक्सपर्ट हैं प्रिजर्व करने के लिए तो आप ले सकते हैं कुछ, बट अभी जो समर के हिसाब से तो विंका बेस्ट है, आप विंका प्रेफर कर सकते हैं। और इनके पास पर कलेक्शन अच्छा है, आप देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा विंडो, ये जो कहना चाहिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है इस पर आपको कलेक्शन जो है प्लांट्स का वो अच्छा है। शिफलेरा वगैरह है यहाँ पर, कुछ पेंटास मिल जाएंगे, पाम मिल जाएंगे आपको, कोलियस की भी कुछ वैरायटीज़ हैं इनके पास में, फिर पीछे आप देख रहे हैं ये कॉर्डलिन है, उसके बाद में ये ड्वाफ वैरायटी का पाम है जो बहुत ही स्लो ग्रोअर है। ये देखिए क्रोटन की अच्छी इनके पास में अभी कलेक्शन है। कुछ यूनिक कलेक्शंस भी मैंने इनके पास में देखे, जैसे मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप अजेलिया वगैरह कहाँ से लेते हैं, तो देखिए ये जो नर्सरी पर्सन है, ओनर है, ये पर्सनली जाकर लेकर आते हैं ये अजेलियाज हैं इनके पास में। पूरे 12 कलर लेकर आए थे, तो एक लॉट जो था उनका बिक गया, दूसरा लॉट ये रखा हुआ है। ये एंथूरियम है, कुछ टेराकोटा के पॉट्स हैं, और ये आप देख रहे होंगे लकी बैम्बू क्रसूला है। तो दूसरी बात, और इनके पास में कलेक्शन अच्छा है, देखिए डस्टी मिलर वगैरह जो आमतौर पर बड़ी जगहों पर नहीं मिलता है, ये लिली के अभी टाइम चल रहा है, लिली आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें डबल वैरायटी भी है, सिंगल भी है, और ये देखिए अभी ये लेटेस्ट जो है इनके पास में शेड वाले अभी जिरेनियम्स आए हुए हैं, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिरेनियम साल भर फूल देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि मौसम कभी भी ठंडा गर्म हो जाता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ये सब प्लांट्स जो है सस्टेन कर जाते हैं। और ये देखिए कुछ जरबीराज भी इनके पास रखे हुए हैं, आगे कोलियस की कुछ वैरायटी है, पीछे आपको लिली भी दिख रहा होगा। तो हमारे यहाँ हैं कुछ ऐसे बायर्स हैं जो मतलब प्रेफर करते हैं कि ऐसे बल्ब वाले जो प्लांट्स हो जो नेक्स्ट ईयर भी सस्टेन कर जाएं, उनको वो प्रेफर कर ले। बाकी तो देखिए ये इनका तो अब सीज़न जा चुका है, ये इम्पेशेंट्स वगैरह दिख रहे होंगे, इम्पेशेंट्स हैं, ये मम्स हैं, इनका सीज़न तो वो जा चुका है अब, तो जिनको प्रिजर्व करना वो ले सकते। पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, देखिए होस्टाज हैं जो हम नहीं मिलते हैं, ये देखिए मैंडेविले मरून, ये थोड़ा सा रेयर मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। और कुछ इनके पास में सकलेंट्स हैं जो मुझे काफ़ी डर्ट चीप रेट पर मिल गए, वो बहुत अच्छे, ये कोचिया अभी के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लांट का कलेक्शन इनके पास बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप कभी भी लें तो सीज़न के हिसाब से, जैसे अभी गजानिया है ये आपको मई तक फ्लावर दे देगा, और
फिर उसके बाद में बिगोनिया है, सकलेंट प्लांट का कलेक्शन आपको बढ़ाना है तो बिगोनियाज आप ले सकते हैं। ये कुछ रोज़ हैं कि आप नेक्स्ट सीज़न आने तक आप उसे पुख्ता कर सकते हैं, तो आप प्रिफर करें आप अभी। तो ये देखिए इनके पास बहुत कलेक्शन है, और अभी आने वाला भी है वो पूना वगैरह, ये लोग पर्सनली जाते रहते हैं तो वो बता रहे थे हमें कि अभी पूना में बस नेक्स्ट सीज़न की तैयारी चल रही है, बडिंग वगैरह हो रही है, तो बारिश के समय लेकर आएंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छी, यदि आपके यहाँ नर्सरी में एडीनियम्स मिल जाते हैं तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। तो हिबिस्कस की कुछ अच्छी यदि वैरायटी आपको मिल जाती है तो आप हिबिस्कस ले सकते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव ये अभी जैसे ड्वार्फ वैरायटी बहुत ज़्यादा चलन में है तो ये आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि मोगरा वगैरह है, मोगरा अच्छी चॉइस है, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी जैसे प्लांट्स सिलेक्शन यदि आप करते हैं तो आप बड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अभी मौसम बदल भी रहा है तो ऐसे बदलते हुए मौसम में कई बार प्लांट सस्टेन नहीं कर पाते। तो आप अपने जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कभी भी प्लांट सिलेक्शन कीजिए। यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, अभी प्लांट्स वगैरह मत लीजिए यदि आपको मेंटेनेंस वगैरह करना नहीं आता। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है मेरे भाई बहन काफ़ी संतुष्ट हो गए होंगे इन प्लांट्स को देखकर, और वो भी डिसाइड कर लें अच्छे से कि उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो कोई कॉमेंट्स या क्वेरीज हैं फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, हैप्पी गार्डनिंग।